हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में आपको जो देखाऊंगा, सीआरटी टीवी का सर्विस मोड कैसे ओपन करें और सर्विस मोड का अंदर बहुत कुछ सीक्रेट ऑप्शन होता है और सीक्रेट नंबर जो होता है सर्विस मोड ओपन करने का, इस वीडियो में आपको वही आपको बताऊँगा और आपको देखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको सीआरटी टीवी का जो सैमसंग, वीडियोकॉन और अकाई टीवी होता है उसके सर्विस मोड के बारे में आपको डिस्कस करूंगा और उसी के साथ चाइना टीवी का जो मार्केट लोकल किट और सोनी किट जो होता है उसका सर्विस मोड का ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आपको एक चाइना किट का सर्विस मोड दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये तीनों जो रिमोट मेरा पास है इसको पर भी आपको डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर करके देखने की कोशिश करूंगा और समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो स्किप मत कीजिए, आप स्किप करेगा तो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट नंबर आप मिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, फर्स्ट आपको जो चाइना किट के बारे में आपको देखाऊँगा, चाइना किट का जो सर्विस मोड वो ओपन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो मार्केट का जो चाइना किट होता है इस टाइप जो रिमोट आप देख सकते हो, मेनली इस टाइप जो रिमोट 57LO, ठीक है 57LO रिमोट का ये नंबर होता है। लेकिन दोस्तों, ये रिमोट का जो अलग अलग नंबर होता है आप देख सकते हो, जो IC किट पर ये यूज़ होता है, आप देखिए 8873 6PR 6IC सैन्यो 02 NV102। एक्चुअली चाइना किट का जो मेन आईसी होता है, ठीक है, तो 4-5 IC चाइना किट पर यूज़ होता है। तब भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चाइना किट का जो मेन आईसी होता है 8893, ठीक है, और इसका पास जो नंबर होता है 7D65, ठीक है, और 8895 8873, ठीक है, इस टाइप जो आईसी होता है लास्ट 6PR 6 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये जो चाइना किट का अंदर इस टाइप जो आईसी होता है और ये आईसी जो पीसीबी होता है उसका सर्विस मोड कैसे ओपन करें। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, जो सर्विस मोड ओपन करने का जो सिस्टम होता है, इस टाइप जो रिमोट होता है चाइना का, एक सीक्रेट की यहाँ पर देखा जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक सीक्रेट की, और ये सीक्रेट की के अंदर आप पेन लेके इस टाइप पुश करेगा तो उसका अंदर जो की होता है वो ओपन हो जाएगा। पुश करने के बाद आप सर्विस मोड ओपन कर सकते हो, और पुश करने के बाद स्क्रीन पर, टीवी का स्क्रीन पर FACTO और फैक्ट्री लिखा जाता है। ठीक है, ये सर्विस मोड होता है, और ये सर्विस मोड फैक्ट्री लिखा आने के बाद उसके बाद डिस्प्ले बटन पुश करने के बाद उसको सर्विस मोड ओपन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ये पुश करने के बाद वो सर्विस मोड ओपन करने का ऑप्शन ये मिल जाएगा, तो ये तो कोनो ये तो बढ़िया बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये छेद रिमोट पर नहीं देखेगा तो कैसे वो सर्विस मोड ओपन करे। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस वीडियो में जो देखूंगा, आप देखिए, तो आपके पास इस टाइप रिमोट नहीं है तो तब भी आप वो टीवी का सर्विस मोड ओपन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, मेरा पास ये एक चाइना का रिमोट है, इसके अंदर इस टाइप कुछ भी छेद नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक एस मोड का बॉटम है। ठीक है, ये एस मोड बॉटम पुश करके भी आप सर्विस मोड ओपन कर सकते हो। ये तो रिमोट के बारे में तो हो गया, और अलग टाइप रिमोट दिखा जाता है उसका अंदर ये एस मोड भी नहीं है और इसका अंदर ये छेद भी नहीं है, तो इसका सर्विस मोड कैसे ओपन करें। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों, आप जिस रिमोट वो किट पर यूज़ होता है, वो टीवी पर यूज़ होता है, वो रिमोट का, ठीक है, वो रिमोट का मेनू पुश करने के बाद साथ साथ आप 2483 पुश करेगा तो उसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा और स्क्रीन पर फैक्ट्री लिखा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप 6483 यूज़ करके देख सकते हो, कुछ कुछ सेट का अंदर ये कोड का काम होता है। ठीक है, मेनू 6483 यूज़ करने के बाद उसका फैक्ट्री लिखा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और फैक्ट्री लिखा आने का बाद आपको रिमोट का डिस्प्ले बटन पुश करने के बाद
उस पर अलग अलग चार्ट आ जाता है, जिस तरह F1 F2 इस टाइप चार्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप सर्विस मोड इस तरह ओपन कर सकते हो। ये तो चाइना किट के बारे में आपको बता दिया। और दोस्तों सर्विस मोड ओपन करने का और एक तरीका है जो चाइना किट का होता है, रिमोट का अंदर एक डिस्प्ले बॉटम और आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो एक डिस्प्ले का बॉटम है, ठीक है, डिस्प्ले बॉटम और ये कॉल बॉटम है, कुछ भी एक बॉटम हो सकता है। ये दोनों बॉटम का कमी सेम होता है, ये चाइना किट का जो डिस्प्ले बॉटम होता है। तो रिमोट का डिस्प्ले बॉटम, ठीक है, डिस्प्ले बॉटम और टीवी का जो पैनल बॉटम है, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, चैनल माइनस, चैनल प्लस, मेनू बॉटम, कुछ भी है, वो जो अलग अलग बॉटम है, वो बॉटम का पैनल का वॉल्यूम माइनस, ठीक है, पैनल का वॉल्यूम माइनस पुश करके आपको दबा के रखना पड़ेगा और उसी का साथ फर्स्ट वॉल्यूम जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो करने के बाद वॉल्यूम माइनस पुश करना पड़ेगा टीवी का जो पैनल है, और उसी का साथ रिमोट का डिस्प्ले बॉटम, दोनों बॉटम को एक साथ पुश करने के बाद उसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा जो फैक्ट्री, ठीक है, जो फैक्ट्री ऑप्शन वो ओपन हो जाता है। और उसके बाद जो सेम सिस्टम है, आप नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले बॉटम पुश करेगा तो अलग अलग चार्ट, अलग एक चार्ट आ जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 रिमोट का पुश करेगा तो अलग अलग पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों चाइना किट का डिस्प्ले, चाइना किट का जो सर्विस मोड, ये ओपन करने का तरीका आपको यही होता है और दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट आइए, आपको सैमसंग वीडियोकॉन अकाई कंपनी का सर्विस मोड ओपन करने का तरीका देखाऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सैमसंग वीकॉन और अकाई, ठीक है, ये जो तीनों कंपनी होता है, ये तीनों कंपनी का पीसी भी सेम ही है, ठीक है। एक्चुअली इसका अंदर जो आईसी यूज होता है, ये अलग अलग आईसी, कुछ भी थोड़ा सा नंबर चेंज इधर उधर हो सकता है। एक्चुअली ये जो सेम पीसीबी, ये तीनों कंपनी सेम ही पीसीबी यूज़ करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सैमसंग का रिमोट वीडियोकॉन पर नहीं लगेगा और वीडियोकॉन का रिमोट सैमसंग किट टीवी पर नहीं लगेगा, तो दोस्तों वो कैसे यूज़ होता है और कैसे वो काम करे, इसके ऊपर भी आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। आप सैमसंग रिमोट को वीडियोकॉन टीवी पर यूज़ कर सकते हो और वीडियोकॉन रिमोट को सैमसंग टीवी पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट सर्विस कोड आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको जो बताता हूँ, आप देखिए एक अल्ट्रा स्लिम टीवी का, अल्ट्रा स्लिम किट का, ठीक है, ये अल्ट्रा स्लिम की सैमसंग, ठीक है, सैमसंग। और इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ, मॉडल नंबर CTVS 21, ठीक है, 21SBB, ठीक है। ये जो मॉडल नंबर होता है, इसका अंदर आप ये पीसीबी का सर्विस मोड ओपन करने के लिए आपको जो पुश करना पड़ेगा, मेनू, उसका बाद चैनल, ठीक है, चैनल प्लस और उसका बाद 1947। दोस्तों ये एट ए टाइम पुश करने के बाद ये पीसीबी का सर्विस मोड ओपन हो जाएगा, और ये सर्विस मोड ओपन होने के बाद कॉल बॉटम जो होता है एस आउट, ठीक है, सर्विस मोड आउट करने के लिए रिमोट का कॉल बॉटम आपको पुश करना पड़ेगा सब कुछ काम हो जाने के बाद। दोस्तों ये जो कॉल बॉटम दिख रहे हो, इस टाइप रिमोट का अंदर एक कॉल बॉटम देखा जाता है। और दोस्तों ये जो मॉडल है, ये मॉडल का एक डिज़ाइन मोड होता है, ठीक है, डिज़ाइन मोड ओपन करने के लिए इसका कोड अलग होता है, ठीक है, मेनू, चैनल प्लस, ठीक है, 1982। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये जो सर्विस मोड ओपन किया है, आपको देखा है चैनल प्लस 1947, और डिज़ाइन मोड ओपन करने के लिए चैनल प्लस 1982 आपको पुश करना पड़ेगा, तो उसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सर्विस मोड ओपन, डिज़ाइन मोड ओपन हो गया, और उसके बाद आपको और एक मॉडल का ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों वीडियोकॉन, ठीक है, VIDEO वीडियोकॉन,
वीडियोकॉन जो मॉडल, इसका मॉडल नंबर 14MBF, ठीक है। ये जो मॉडल नंबर होता है, इसका सर्विस मोड ओपन करने का जो सिस्टम है, फर्स्ट आपको मेनू, रिमोट से मेनू पुश करना पड़ेगा। मेनू पुश करने का बाद आपको 1947 पुश करना पड़ेगा, तो इसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। और सर्विस मोड ओपन होने का बाद आप 1, 2, 3, 4 इस टाइप रिमोट का बॉटम पुश करने के बाद अलग अलग पेज ओपन होता है, ठीक है दोस्तों। और सेम तरीका कॉल बॉटम, ठीक है, कॉल बॉटम पुश करके इसका सर्विस मोड आप आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो दो सर्विस मोड मॉडल का सर्विस मोड बताया, और उसके बाद आपको तीन नंबर बताता हूँ। देखिए ये वीडियोकॉन का एक मॉडल, और ये आकाई चैसिस पर भी यूज़ होता है, और सैमसंग कुछ भी चैसिस पर ये यूज़ हो सकता है, कुछ भी टीवी पर ये यूज़ हो सकता है। तो इसका सर्विस मोड ओपन करने का एक सिस्टम है, नॉर्मल सा सिस्टम है। वॉल्यूम माइनस आपको दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम नंबर दबा के रखने के बाद रिमोट का जो डिस्प्ले, बॉटम, दोनों बॉटम को एक साथ पुश करना पड़ेगा। तो पुश करने के बाद एक्चुअली पाँच से सात सेकंड आपको दबा के रखना पड़ेगा। जब दबा के रखेगा तो इसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। ये कुछ भी वीडियोकॉन, सैमसंग या अकाई टीवी पर आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट सर्विस मोड दिखाऊंगा, जो चार नंबर ये पर आपको जो दिखाता हूँ, ये अकाई मॉडल पर ही दिखा जाता है, ठीक है, अकाई टीवी पर, ठीक है, अकाई टीवी पर, अकाई टीवी पर ही देखा जाता है। और दोस्तों मेनली जो मॉडल पर ये मैं देखा है, जो मॉडल नंबर, अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्विस मोड है, 1411, ठीक है, ये मॉडल नंबर है। ये मॉडल नंबर टीवी के अंदर एक जो पीसीबी होता है, वो पीसीबी का आईसी नंबर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अब चेक करके देख सकते हो। उसका जो क्रोमा आईसी, ठीक है, उसका जो क्रोमा आईसी नंबर LA76 8101 0A, ठीक है। और इसके अंदर जो सिस्टम आईसी है, आपको दिखा देता हूँ, 86332, ठीक है, और लास्ट ए। तो ये पीसीबी का अंदर, ठीक है, एक स्टेप जंपर देखा जाता है, ठीक है, और जंपर का अंदर स्टेप एक मार्किंग देखा जाता है। तो ये जंपर कौन पोजीशन पर मिलता है ये आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो सिस्टम आईसी होता है, इसका सिस्टम आईसी का नीचे आपको एक बार देखा देता हूँ। वो पीसीबी मेरे पास अभी नहीं है, तब भी आप देख सकते हो। ये जो एक जंपर आप देख रहे हो, ठीक है, इस टाइप जंपर देखा जाता है, और जंपर का चारों साइड मार्किंग देखा जाता है, ठीक है, इस टाइप एक जंपर, दोनों जंपर सेम देखा जाता है, जो ये आईसी का नीचे। और उसका पास आपको एक लेखा देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है, आपका एक लेखा देखने को मिलेगा, PROTECTION, प्रोटेक्शन मोड, ठीक है, प्रोटेक्शन मोड, ये लेखा उसका पास देखने को मिलेगा। और ये दो पॉइंट को आप ट्वीजर से शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करके छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद एक सर्विस मोड ओपन हो जाता है, और स्क्रीन पर आपको प्रीसेट, ठीक है, प्रीसेट लेखा देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रीसेट लेखा, और सर्विस मोड ACR VIC, सर्विस मोड इस टाइप कुछ भी एक लेखा देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। तो दोस्तों वो लेखा आने के बाद आप 1, 2, 3 पुश करके रिमोट का बॉटम पुश करके अलग अलग पेज ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद आप हॉरिजॉन्टल साइज, वी साइज, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सर्विस मोड का अंदर जो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर होता है, ये आप ओपन करने के लिए आपको, ये सर्विस ओपन करने के बाद आपको 9 9 1
2220, ठीक है। ये आपको रिमोट से दबाना पड़ेगा, दबाने का बाद जो चार्ट ओपन होगा वो ब्राइट, ठीक है, ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट, कलर, ये तीनों ऑप्शन आप एडजस्ट कर सकते हो सर्विस मोड के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैं कवर कर दिया है ये सर्विस मोड सेंसर वीडियो को नराकाई का, और आपको नेक्स्ट जो देखाऊंगा आप ध्यान से देखिए, ये जो चाइना किट का सर्विस मोड का ओपन आपको दिखाया इस टाइप, ठीक है, और मार्केट जो सेनियो किट होता है जो चाइना टाइप जो होता है वो सेंसुई किट का अंदर जो आईसी यूज़ होता है, फर्स्ट आपको एक बार दिखाता हूँ कि सेंसुई का, ठीक है, सेनियो किट, ठीक है दोस्तों। मार्केट का जो सेनियो किट होता है, सेनियो किट का अंदर जो आईसी एक देखा जाता है TDA TPL 105PS, ठीक है। और दोस्तों इसका पास अलग अलग नंबर देखा जाता है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो जो सैन्य किट का अंदर ये जो TPL 105 IC यूज़ होता है, इसका सर्विस मोड ओपन करने का एक नंबर है, ठीक है, इसका सर्विस मोड ओपन करने का जो नंबर है आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको रिमोट का मेनू बटन पुश करना पड़ेगा और उसका बाद 6483 दबाने का बाद उसको सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। और दोस्तों डिस्प्ले बॉटम, ठीक है, वो रिमोट का डिस्प्ले बॉटम पुश करने का बाद वो जो भी साइज अलग अलग साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये टीवी का जो म्यूट बॉटम है, ठीक है, म्यूट बॉटम होता है, ये म्यूट बॉटम पुश करने का बाद जो बांग्लादेश का जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हो तो उसका फ़ायदा होगा कि उसका अंदर AGC, ठीक है, AGC एक ऑप्शन होता है, वो AGC पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो AGC आप यह से एडजस्ट कर सकते हो। तो AGC एडजस्ट करने का सिस्टम इस तरह होता है। और दोस्तों ये जो TPL 105 IC के बारे में आपको बताया जो सैन्य किट का अंदर होता है, एक्चुअली 6 नंबर जो आपको बताऊंगा आप देखिए, वीडियोकॉन, ठीक है, वीडियोकॉन कुछ भी सेट का अंदर TPL 105 IC आप देख सकते हो, लेकिन दोस्तों वीडियोकॉन सेट का अंदर एक TPL 1, ठीक है, TPL 105 IC यूज होता है, और उसका जो पूरा नंबर होता है आप देखिए PS/V3/3J, ठीक है। एक्चुअली ये TPL 1 जो IC होता है ये सभी IC सेम ही होता है, लेकिन IC का लास्ट जो नंबर होता है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला नंबर, ये नंबर का ऊपर ये IC का अंदर जो सॉफ्टवेयर ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी का हिसाब से इसका सर्विस मोड अलग होगा, और ये जो सर्विस मोड दिखाया ये भी अलग है, ठीक है। तो इसका सर्विस मोड क्या है ये आपको बताता हूँ। इसका सर्विस मोड जो होगा MENU मेनू पुश करने के बाद आपको 1147 पुश करना पड़ेगा, तो तब भी ये वीडियोकॉन का सर्विस मोड ओपन होगा। और इसका नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करने के लिए 1 2 3 इस टाइप अलग अलग पेज आपको ओपन करना पड़ेगा, 4 5, ठीक है। और दोस्तों आपको फर्स्ट बताया कि वीडियोकॉन का रिमोट अकाई पर नहीं लगता है, और अकाई का रिमोट वीडियोकॉन पर नहीं लगता है, तो आप ये मॉडल का अंदर आप अकाई और वीडियोकॉन कुछ भी रिमोट यूज़ कर सकते हो। तो किस तरह वो होता है आपको बताता हूँ। ये सर्विस मोड ओपन करने के बाद आपको 5 नंबर पेज, ठीक है, 5 नंबर पेज पर जाना पड़ेगा। 5 नंबर पेज का अंदर एक ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड आपको बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है, RCOPT, RCOPT, ठीक है, यहाँ पर नंबर 64, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर RCOPT, यहाँ पर 64 जो लिखा आपको ये देखेगा, तो ये वीडियोकॉन कंपनी का वीकॉन कंपनी का आधार रिमोट काम करेगा, ठीक है। और ये ऑप्शन को आप 28 कर देगा तो ये पोजीशन पर अकाई का रिमोट काम करेगा, यह सीक्रेट ट्रिक है, आपको ये बता दिया। और दोस्तों ये जो RCOPT 28 सिलेक्ट करने के बाद जो अकाई का रिमोट होता है AT FT रिमोट, ये आसानी से काम करेगा, ठीक है दोस्तों।
ये तो इम्पोर्टेंट कुछ सिगरेट आपको बताया। तो दोस्तों आपको और कुछ सिगरेट सर्विस मूड आपको बता देता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस टाइम आपको एक वीडियो कॉन, ठीक है, वी कॉन टीवी का सर्विस मूड बताता हूँ। और एक साउंड फॉल्ट, ठीक है, साउंड फॉल्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट है, साउंड फॉल्ट, ठीक है। कुछ कुछ टाइम देखा जाता है कि मेमोरी चेंज करने का समय और प्रोसेसर आईसी चेंज करने का समय और कुछ भी सर्विस मूड का अंदर आप ऑप्शन इधर उधर करने का समय, इस टाइप प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो दोस्तों अब मेमोरी आईसी चेंज करने का बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करें, और ये सर्विस मूड का अंदर ही ऑप्शन है, ये आप आसानी से ठीक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए फर्स्ट आपको इसका जो सर्विस मूड मेनू पुश करना पड़ेगा, ओपन करने के लिए मेनू पुश करना पड़ेगा। मेनू पुश करने के बाद आपको चैनल प्लस और 1982, ठीक है, ये पुश करने के बाद उसका सर्विस मूड ओपन हो जाएगा। और रिमोट से उसका 9 नंबर बॉटम पुश करने के बाद एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, एक चार्ट आ जाएगा। और वो चार्ट आने के बाद आपको चैनल माइनस पुश करके आपको 103, ठीक है, 103 नंबर पोजीशन पर जाना पड़ेगा, 103 नंबर पिन पर पोजीशन पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑडियो, ठीक है, ऑडियो सेट। तो ऑडियो सेट जो ऑप्शन है वहाँ पर 1, ठीक है, 1 देखेगा तो आपका टीवी रिमोट ऑन करने का साथ साथ उसका वॉल्यूम फुल हो जाएगा, ठीक है, और वो रिमोट से आप काम आएगा तो वो काम नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट है, और ये प्रॉब्लम मेरा पास आया है, और ये रिपेयरिंग करना बहुत ही टफ, बहुत मैकेनिक बहुत कोशिश करने के बाद भी ये प्रॉब्लम रिपेयर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपको जो बताऊंगा, ये प्रॉब्लम रिपेयर करने का समय आपको ये ऑडियो जो सेट ऑप्शन होता है, ये जो 1 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये पोजिशन को आपको 0 करना पड़ेगा। जब 0 करेगा तो इसका जो वॉल्यूम लेवल, ठीक है, वॉल्यूम लेवल वो नॉर्मल हो जाएगा, और रिमोट से वो नॉर्मल अप और डाउन कर सकते हो, ठीक है। और ये सेट का जो हाइट, ठीक है, ये सीट का जो हाइट होता है, ये हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको अलग सा नंबर दबाना पड़ेगा, जो नंबर होता है मेनू, और मेनू पुश करने के बाद चैनल प्लस और उसके बाद 1947, ठीक है दोस्तों। देखिए ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, अब ध्यान देखिए, एक ही आईसी का नंबर मैं बताता हूँ। ये पुश करने के बाद आपका एक ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर एडजस्ट, ठीक है, REGISTER रजिस्टर एडजस्ट, ठीक है। ये रजिस्टर एडजस्ट आ जाने के बाद तो दोस्तों वॉल्यूम प्लस पुश करके इसका भी साइड एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद वीडियोकॉन अकाई, ठीक है, वीडियोकॉन अकाई और सैमसंग टीवी का जो अलग अलग जो सर्विस मूड होता है तो आपको बताता हूँ। तो उसका पहले RX सर्विस मूड है, जो वीडियोकॉन कंपनी का जो वीडियोकॉन चैलेंजर टीवी होता है, इसका सर्विस मूड नंबर अलग है। तो दोस्तों ये सैमसंग टीवी का अंदर भी ये कोड यूज हो सकता है। तो इसका सर्विस मूड नंबर जो होता है मेनू, ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेनू, उसका बाद 0323, ये नंबर मेनू पुश करने के बाद, ये नंबर आपको साथ साथ पुश करने के बाद इसका सर्विस मूड ओपन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको और एक सर्विस मूड बताता हूँ जो अकाई वीडियोकॉन का अंदर यूज़ होता है, ठीक है, अकाई और वीडियोकॉन का अंदर यूज़ होता है, अकाई वीकॉन का अंदर यूज़ होता है। उसका सिस्टम आईसी एक बार सिस्टम आईसी नंबर आपको दिखा देता हूँ कि TDA, ठीक है,
टिपिलोन 05 PS बाई V3/3/AAG ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये लास्ट वाला जो नंबर इस टाइप ये सॉफ्टवेयर का नंबर होता है और इसका सर्विस मोड ओपन करने का जो सिस्टम होता है मेनू ठीक है मेनू उसके बाद 1147 ठीक है ये पुश करने के बाद सर्विस मोड ओपन हो जाएगा और इसका नेक्स्ट पेज ओपन करने के लिए आपको रिमोट का 1 2 3 इस टाइप बॉटम दबाएगा तो अलग अलग पेज ओपन हो जाएगा ठीक है। और सर्विस मोड ओपन कर आउट करने के लिए कॉल बॉटम आपको पुश करना पड़ेगा ठीक है। अब ध्यान दीजिए और दोस्तों उसके बाद आपको और एक सर्विस मोड बताता हूँ जो सेंसी अल्ट्रा स्लिम का ठीक है। आपको इधर दिखाता हूँ सेंसुई अल्ट्रा स्लिम का एक कोड आपको बताता हूँ। उसका अंदर एक चीप आईसी यूज़ होता है ठीक है। चीप आईसी जो पीसीबी होता है वो चीप आईसी पीसीबी का नंबर आप देखिए क्या होता है 82J 10171GA ठीक है GA और उसके बाद A00FF ठीक है। इस टाइप नंबर देखा जाता है और ये पोजीशन पर ये नंबर भी हो सकता है 82J ठीक है 1017 यहाँ पर 1 है और ये 2 होगा ठीक है। ये ऐसे भी काम करेगा और इसका अंदर ये नंबर सभी सेम है ठीक है सभी सेम है। तो यहाँ पर जो सर्विस मोड ये पीसीबी का ये सर्विस मोड नंबर अलग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मेनू और चैनल प्लस ठीक है चैनल प्लस और उसके बाद 1947 ये दबाने के बाद उसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा ठीक है। और दोस्तों ये जो वीडियो में आपको जो अलग अलग सर्विस मोड सबको दिखाया एक्चुअली ये सब सर्विस मोड दबाने के बाद और अलग अलग पीसीबी आपके पास आएगा अलग अलग मॉडल आपके पास आएगा तो आप अलग सा नंबर पुश करके ट्राई कर सकते हो ठीक है। तो वो सभी सेंसुई वीडियो को नकाई का सर्विस मोड नंबर है जो नंबर होता है आप ये सब नोट करके रखिए क्योंकि जो अलग अलग सर्विस मोड होता है मेनू 1147 ये भी एक सर्विस मोड नंबर है मेनू 1989 और उसके बाद मेनू 1947 ठीक है। ये अलग अलग नंबर पुश करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया और लास्ट में आपको जो दिखाता हूँ आप देखिए वीकॉन ठीक है वीकॉन वीडियोकॉन इसका जो आईसी नंबर TDA ठीक है TDA आप ध्यान से देखिए पोजीशन को 937 PS ठीक है by N3/A/1932 ठीक है। ये जो नंबर है आप ध्यान से देखिए 1932 ये आईसी एक्चुअली अकाई का अंदर यूज़ होता है ठीक है अकाई का अंदर यूज़ होता है और ये नंबर सेम है और नीचे जो नंबर ये जो पीछे वाला जो लास्ट नंबर ये 193 भी हो सकता है ठीक है। दोस्तों ये वीडियोकॉन का अंदर यूज़ होता है ये सभी सेम ही चेसिस सेम टाइप चेसिस है और दोस्तों ये लास्ट नंबर 1931 भी हो सकता है ये वीडियोकॉन का अंदर यूज़ होता है और लास्ट नंबर 1838 ये भी वीडियोकॉन का अंदर यूज़ होता है और लास्ट नंबर 1926 ये अकाई का अंदर यूज़ होता है। दोस्तों ये सभी आईसी सभी सेट पर यूज़ होगा और सर्विस ये सभी यूज़ होगा। लेकिन रिमोट मैच नहीं करेगा तो इसलिए आपको जो रिमोट चेंज करने का ऑप्शन आपको वीडियो में बीच में बताया एक पॉइंट में तो आप उस तरह इसका रिमोट आप चेंज कर सकते हो और वीडियो कॉन रिमोट नहीं लगेगा तब आगे का रिमोट भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है तो तब भी आपको ये जो रिमोट फास्ट में आपको दिखाया ये देखिए ये मार्केट पर एक रिमोट आया है जो 4-in-1 का रिमोट है ठीक है। तो कुछ भी सैमसंग वीडियोकॉन अकाई टीवी हो सकता है और उसका अंदर जो प्रोसेसर आईसी वो भी अलग हो सकता है सर्विस मोड भी अलग हो सकता है।
तो आपका पास वीडियोकॉन का रिमोट काम नहीं करेगा इसे चेंज करने के बाद, तो आप इस तरह रिमोट आप यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ होगा, अब देखिए ये रिमोट पर देखिए नीचे जो चारों बॉटम है, ठीक है, एक देखिए BPL वीडियोकॉन सेंसी और आकाई, ये जो चारों बॉटम है ये अलग अलग कंपनी का TV पर यूज़ करने के लिए ये दिया गया है। तो कैसे यूज़ होता है, आप ये रिमोट को वीडियोकॉन पर यूज़ कर सकते हो, सेंसी पर यूज़ कर सकते हो, आकाई पर यूज़ कर सकते हो और BPL पर भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये कैसे यूज़ होता है, फर्स्ट TV को ऑन करना पड़ेगा और ये रिमोट का बैटरी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन करने के बाद अब वीडियोकॉन TV पर ये रिमोट को यूज़ करेगा तो फर्स्ट एक बार ही आपको ये वीडियोकॉन का बॉटम आपको पुश करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसी हो सकता है, वीडियोकॉन TV होगा तो ये वीडियोकॉन का रिमोट एक बार पुश करने के बाद वो कंटिन्यू ये रिमोट ही काम करेगा सब कुछ बॉटम। और जब सैमसंग TV पर ये रिमोट को चलाना चाहता हो तो ये सेंसरी बॉटम को फर्स्ट एक बार ही TV ऑन करने के बाद एक बार ही पुश करना पड़ेगा, पुश करने के बाद ये टोटली रिमोट सेंसरी पर काम करेगा। तो सेम तरह आकाई TV होगा तो आकाई TV एक बार ऑन करने के बाद ये आकाई बॉटम का जो होता है ये एक बार पुश करने के बाद वो सेम तरह आकाई TV पर काम करेगा। और BPL TV होगा तो BPL पर ये BPL बॉटम पुश करने के बाद वो सेम तरह से काम करेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर अब ना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों इस तरह और अलग वीडियो चाहता हो तो और अलग अलग TV का सर्विस मोड चाहता हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देगा और देखा देगा। तो दोस्तों और ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है, ठीक है, वो ग्रुप पर आके आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देख